बाबा रामदेव किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है और मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं आज तक और ना आगे होऊंगा। लेकिन जब देश संकट में है ऐसे में अपने योग धर्म के साथ अपना राष्ट्र धर्म प्रामाणिकता से निभा रहा हूं। जब विरोधियों को कोई मुद्दा नहीं मिला तो दो दिन पहले मैं अलवर में था, आदरणीय महंत चांदना जी जैसे आप लोग मेरे सामने अभी खड़े हो ऐसे ही पूरा मीडिया सामने था, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे, मेरे से कहने लगे बाबा जी आजकल मीडिया में बहुत खबरें चल रही हैं, कभी किसी के पैसे पकड़े जाते हैं, कभी किसी के पैसे पकड़े जाते हैं, आजकल पैसे के मामले में बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज यहां मीडिया के सामने इस बात को करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो है इस बात को करने का कोई औचित्य यहां पर नहीं है, मैंने इतना कहा। अब जिस नेहरू खानदान ने कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो बाहर काला धन जमा कर रखा है और यहां पूरा हिंदुस्तान जिम के बैठ गए, वो कहते हैं बाबा फुसर फुसर कर रहे थे और बोले अभी तो ये 15 सेकंड का वीडियो है, अभी तो पूरी कैसेट बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। मैं कहता हूं पूरी पिक्चर दिखाओ और बाबा रामदेव और उनके किसी भी समर्थक के पास मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि स्वामी रामदेव और रामदेव के किसी भी समर्थक के पास कोड़ी से लेकर के करोड़ तक जितना भी काला धन है आज ही जब्त करो और अपना भी जब्त करवाओ। हमारे ऊपर तो 1000 से ज्यादा आज तक झूठे मुकदमे इल्जाम खूब लगा के देख लिए, कहीं हमको गलत साबित नहीं कर पाए। अब अरे मुझे एक साधारण सी बात है, मीडिया के सामने बैठ करके कोई काले धन या सफेद धन की बात करेगा और वो भी एक जो एक समझदार व्यक्ति है, ठीक है उन्होंने कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बातें चल रही है, अब वो एक साधारण रूप से एक साधु में साधुता होती है, भोलापन होता है, उसमें बातें कर रहे थे। मैंने कहा महाराज आप तो बात कर रहे हो इन जनरल और यहां बैठा है मीडिया, तो इस बात को किस तरह से लेगा, इसलिए इस बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। तो उस बात को यह कह करके कि बाबा रामदेव खुसर फुसर कर रहे थे, अभी तो ये 15 सेकंड का वीडियो है, अब तो पूरी कैसेट बाकी है, तो भाई पूरी कैसेट दिखा दे, हमारी इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं हुई, कहां इसमें काला धन आ गया, कहां इसमें सफेद धन आ गया। और मैं तो कहता हूं किसी के पास भी मुझ सहित मेरे समर्थक हो, प्रशंसक हो, दूर दूर के भी जिनसे कोई संबंध हो, किसी के पास भी काला धन है तो आज ही सरकार को जब्त करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी जी आपकी आपकी सीडी और फिर कुछ दिनों पहले उमा भारती की एक सीडी दिखाई गई जिसमें नरेंद्र मोदी को बिना क्या चल रहा है। ऐसा देखो कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही है, अब इस पराजय को हार को हजम नहीं कर पा रही है, बौखलाहट में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टे काम कर रही है, उससे और ज्यादा वो पीछे ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी।